ऐसा क्यों होता है कि ट्रेन में पैसेंजर के चैन खींचने से ट्रेन रुक जाता है, आइए जानते हैं। ट्रेन के हर बॉगी में एक अलार्म चेन होता है जो पैसेंजर की इमरजेंसी के लिए होता है, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन के लोको पायलट तक नहीं पहुंच सकते। अलार्म चेन जो हर बॉगी में होता है वो कनेक्टेड होता है ट्रेन के मेन ब्रेक पाइप से। ये ब्रेक पाइप का काम होता है कॉन्स्टेंट एयर प्रेशर मेंटेन करना, जिससे ट्रेन आराम से चलता रहे। लेकिन जब पैसेंजर अलार्म चेन को खींचता है तो होता ये है कि ब्रेक पाइप में जो एयर स्टोर होता है वो बाहर निकलने लगता है थ्रू स्मॉल वेंट, और एयर प्रेशर कम होने की वजह से ट्रेन स्लो होने लगता है। और जैसे ही ट्रेन के लोको पायलट को पता चलता है कि ट्रेन के ब्रेक पाइप में एयर प्रेशर कम हो रहा है तो वो ट्रेन को रोकना शुरू कर देता है। आपको तो पता ही है कि ट्रेन पतली सी पटरी पे चलता है, अगर हम उसको डायरेक्टली रोकेंगे तो वो इम्बैलेंस हो जाएगा और एक्सीडेंट होने का भी खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर ट्रेन 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो ट्रेन को पूरी तरह से रोकने में 3 से 4 मिनट लग जाएंगे पैसेंजर के चेन खींचने के बाद। तो ये रही आज की आपकी 1 मिनट, मिलते हैं कल।